किन मुद्दों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी भैरत में नहीं गया, चाहे हम सत्ता में थे चाहे सत्ता से बाहर थे, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में खड़ा रहा। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हरियाणा का किस चरण में चुनाव हो, उसी हिसाब से हमारा कार्यकर्ता आज से ही चुनाव की तैयारी में और चुनाव को कैसे अपने बूथ में जीतना है, कैसे गांव में जीतना है, इस बात के लगे हुए। आज आपने देखा कि मामला गांव के अंदर किस तरह से लोगों में उत्साह था, इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे थे, माताएं बहनें थी, इन लोगों का सरकार के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग सोई चीज थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास कर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में लोकसभा के 10 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जिता करके भेजे। आज 3 घंटे लेट आने के बाद इतने घाम थी, धूप थी, उसके बाद उसी उत्साह के साथ लोग बैठे हैं। इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि बड़ा बदलाव आया। वैसे पिछली बार चुनाव में 3 पार्टियां अलग थी और 5 पार्टियां अलग बल्ला थी, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा या मार्जिन कम रहेगा? हमारी पार्टी का वोट जो है हमेशा 25% से ऊपर रहा है। इस बार क्योंकि लंबे समय तक हमने लोगों के बीच में रहकर SYL की लड़ाई को लड़ा है और आने वाले समय में फिर SYL का पानी मिले, इसके लिए हमने हाथी के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद हम फिर लोगों के बीच में उनके अधिकारों के लिए जन अधिकार यात्रा शुरू कर दें। लोगों को हमारी पार्टी पे विश्वास और भरोसा है। हमारा वोट बैंक इस बार 100% 25 की जगह 30% पे जाएगा, जिसपे 30% वोट अकेले राजनीतिक दल पे होगा वो सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की होगी। आपको ऑथोराइज कर देते हैं इस काम पे, हमारी तो कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन मीडिया अपनी तरफ से रोज नए कयास कर रोज इस तरह की बात करता है कि कहीं आपका गठबंधन हो रहा है। 2 करोड़ अगर चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं तो हो सकता है उनका अपना कोई प्रश्न हो सकता है वो हरियाणा भवन में गए और मुख्यमंत्री वहां। मैं मुख्यमंत्री के पास परसों आधा घंटा बैठ कर आपने तब तो नहीं चलाई किसी ने कोई गठबंधन हो, ये सिर्फ हमारे जो विरोधी हैं वो आप लोगों को आ करके इस तरह की बात करते हैं कि फलाना जा रहा है। जाजू कोई नहीं रहा, अब तो आने वालों का धंधा लगने वाला है। वो आप यहाँ बता रहे हैं किसी 10 लोग से बात की तो वो कह रहे हैं कि हम तो किसी को भी नहीं करते सारे के सारे। आप भी मुझे लगता है रात को जो सोते तो कई सपने लेते हैं।